गाइस अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। अभी बहुत सारे कमेंट और डिमांड के बाद मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं और ये वाला वीडियो आप लोगों को सॉल्व कर ही देते हैं। कौन सा वाला? बजट प्लान। हाँ, मनाली का बजट प्लान। अब मनाली का बजट प्लान है ना गाइस, पहले तो ये समझो कि आप फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ, कैसे भी जाओ, आपको जाना दिल्ली है और आप दिल्ली में रहते हो तो वो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वहां से बाय रोड ही जाना है आपको मनाली। मनाली डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। हम क्यों नहीं फ्लाइट में गए थे, क्योंकि हम लोग को जो दिन जाना था उस दिन हम लोग को वो बोलते ना स्टॉप वाली फ्लाइट मिल रही थी, मतलब 8 घंटा लग रहा था। स्टॉप है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्लाइट है। 8 घंटा लग रहा था और 8 घंटे में कैसा सीन था कि मुंबई से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, तो फिर वो 8 घंटा प्लस यहाँ से एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट पे भी 1 घंटा पहले पहुंचो, फिर वहां से एयरपोर्ट से दिल्ली जाओ, समझ रहे हो ना, तो उसमें भी मेरे 10-12 घंटे चले ही जाते। तो वहां पर मुझे 9,000 की फ्लाइट टिकट मिल रही थी और एसी वाली टिकट मुझे मिली 3,000 रुपए, तो मेरे हिसाब से ये सही था। पर पर्सन। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ वापस से, रेलवे स्टेशन जाने तक का 250 रुपए का खर्चा पकड़ लो, हम लोग तो एसी में गए थे तो 3,000 रुपए, ठीक है। अगर आपका बजट अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आप फ्लाइट से जाओ, है ना, नहीं समझ में आ रहा एसी में जाओ, उससे भी नीचे में जाने का है स्लीपर में जाओ, 1,000-1,200 रुपए में दिल्ली की टिकट मिल जाती है आराम से। तो दिल्ली की टिकट मिल गई आपको 1,000-1,200 रुपए में, तो वहां से आपको कश्मीरी गेट तक के रिक्शा करनी है, तो वो आ जाएगा आपका 200-250 रुपए, मतलब लगभग 1,500 रुपए हमारे यहाँ तक के पहुंच गए। अब दिल्ली स्टेशन कश्मीरी गेट से आपको इतनी वैरायटी की बस मिलती है जो कि 300 रुपए से 1,500 रुपए तक का, अब वो क्वालिटी के ऊपर है। 300 रुपए वाला बोले तो गवर्नमेंट बस एकदम खटर खुटर और बंदे बंदे घुसते जा रहे हैं, आपको ऐसा बैठना है, ठीक है, गर्म हो रहा, ठंडी हो रही, कोई मतलब नहीं, हाँ वो ऐसी बैठने वाली बात है। वो बंदे चढ़ाए जा रहा है, एक बंदा उठाने के आपको ऐसा लगा कंफर्टेबल हुए, दूसरा बंदा हर स्टेशन पे चढ़ते जा रहा है और स्टॉप इतने सारे, उसके 50 स्टॉप है कि आपको परेशानी भी वैसी होगी, ठीक है। लोकल वाला बोल रहे हैं, तो उसके बाद फिर मतलब उसमें भी वैरायटी है, 300 से 600 तक की उसकी रेंज है। फिर जो प्राइवेट बस शुरू होती है ना, वो भी है ना 600-800 से शुरू होती है, 1,500 रुपए, तो उसके अंदर कैसे क्वालिटी है, फिर नॉन एसी, एसी, सेमी स्लीपर, स्लीपर उसमें नहीं है, तो स्लीपर नहीं है। दिल्ली से मनाली आपको स्लीपर नहीं मिलेगा, क्योंकि तो, वो पूरा पहाड़ों पे है। हाँ, तो वो सेमी स्लीपर मिल जाए। अब जरूरी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई कि आप अच्छे से अच्छी महंगी टिकट लेना, क्योंकि सफर मजेदार होगा। मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस बस का सबसे महंगी वाली टिकट लेने के बाद हुआ, तो वो लकीली वाली बात है, ठीक है। तो सेमी स्लीपर का भी पकड़ लेते ना अपन, 1,000 रुपए वाली टिकट पकड़ लो, ठीक है ना, मैं सबसे लो में जा रहा हूँ ना सबसे हाई में जा रहा हूँ, 2,500 रुपए में एक बंदा मनाली पहुंचा रहा, ठीक है। बस पहुंचाती है बराबर मनाली से 2 किलोमीटर दूर, वहां से रिक्शा वाला 100 रुपए लेता है, पैदल भी जा सकते हैं आप लोग, नहीं लेकिन 2 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है, पैदल मत जाओ, ले लो हाथ में, जिसके पास बेबी देगा बेचारे क्या करेगा। हाँ, तो 2,500 वो 2,500 रुपए तुम मनाली पहुंच गए। अब मनाली में होटल का रेंज है ना 1,500-1,800-2,000 है, 10-15-18,000 वाले भी है, लोकेशन वाइज है वहाँ पे। हम लोग जो होटल में रुके थे वो हाईवे होटल था, जिसमें 2 रूम दिखाया था बंदे ने हम लोगों को, एक छोटा था जो कि 1,500 था, जो दूसरा था वो 1,800 रुपए था, जिसमें हम लोग रुके थे वो 1,800 रुपए पर डे था, ठीक है। अब ये पैकेज नहीं था, ये सिर्फ होटल का रेंट, लेकिन हम लोग ने ना 11,000 रुपए में 3 दिन का पैकेज लिए थे, जिसमें हम लोग का स्टे 1,800-1,800 वाले 3 दिन प्लस हम लोग का ब्रेकफास्ट और रात का खाना, ठीक है। ब्लॉग में तुम लोगों के साथ एक ही दिन का शेयर किया, लेकिन हम लोग रोज खाना खा रहे थे वो पैकेज के पैसे में, ठीक है, खाना खा रहे, चाय कॉफी वगैरह अलग से चीज़, तो हाँ उसका पैसा अलग है, वो कॉफी कॉफी अच्छी मिलती है, चाय अच्छी नहीं मिलती उधर पे, ठीक है। अगर आपको पसंद आ गई तो आप नसीब वाले। दूसरी बात, उन लोग की तरफ से वो 11,000 रुपए के पैकेज में हम लोग को 3 दिन कार अवेलेबल थी, अलग अलग पॉइंट घुमाया, हाँ अलग अलग पॉइंट घुमाया। मैं अपनी दिली एक ओपिनियन तुम लोगों को शेयर करूंगा, अगर आप पैकेज ले रहे हो वहाँ जाके, तो एक दिन जो मणिकरण का है उसको अवॉइड करना, अगर आप पंजाबी हो, आपको गुरुद्वारा जाना है खास तो आपके आस्था के लिए, तो बेसिकली आपको जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपका ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो टूरिस्ट प्लेस के हिसाब का आपको घुमाने लेके जा रहे हैं ना, तो मत लेना इंटरेस्ट, हाँ, आप कहीं और चले जाओ उसकी जगह, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, 85 किलोमीटर दूर है, तो जाने का 3-3.5 घंटा, आने का 3-3.5 घंटा, अगर आपको ट्रैफिक मिल गया, आप लकी इंसान हो, तो आपका और टाइम गया। हाँ, और दूसरी बात, वहां पर जाने के बाद 1 घंटा रुकना है, उसमें इतना एडवेंचर नहीं है, तो वो जो आपका पूरा दिन, आप सुबह जल्दी उठ के निकल रहे हो और पूरा दिन आपका जा रहा है और उतना मजा नहीं आ रहा है, तो मैं इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मणिकरण का वो पैकेज में से बोलना भाई निकाल दे, या तो मेरा थोड़ा पैसा कम कर, पैसा कम कर, तो वो 11,000 से वो आपका पैकेज और नीचे आ सकता है 8,000-8,500 तक, ठीक है।
वो ही पैसा आपका कहीं और काम आ जाएगा। 2500 और 8000 पकड़ के चलो आप, तो कितना हो रहा है 10500। हाँ 10500 पर पर्सन का, पर पर्सन होटल में तीन चार जन रह सकते हैं ना। हाँ, वो पर पर्सन वाला नहीं, कपल के हिसाब से। तो पर पर्सन एक कपल का ही कर लेते ना फिर। हाँ, ठीक है। तो 5000 पकड़ो, 13000 में आपका मनाली, ये 5000 जाने का, तो 5000 आने का भी ना, ये जाने का बताया हम लोग, 5000 आने का, और 5 पकड़ो आने का 18000 में तुम लोग आना जाना स्टे वहाँ का होटल की तरफ से, खाना पीना। अभी बाकी एक चीज, होटल की तरफ से खाना सिर्फ रात का मिलता है, रात का, और घर का खुद का खाने का अपने को, वो आपका खर्चा है। आप क्या खा रहे हो, कम वाला खा रहे हो, ज्यादा वाला खा रहे हो, लो बजट बोलूँ ना मैं, लो बजट में आपके पास 30000 में आप एक कपल लोग घूम के आ सकते हैं। हाँ, कम शॉपिंग, थोड़ा नाम के लिए, मतलब बोलते ना खर्चा पानी के लिए। बाकी अगर आपको दिल खोल के खर्चा करना है तो फिर बजट आपका अनलिमिटेड रखो, 1,00,000 रुपया भी कम पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि चीजें इतनी है, खर्चा करने का मन नहीं करेगा। हम शादी की बात कर रहे तब कितना खर्चा होता, ऑलमोस्ट 1,00,000 हुआ रहेगा, 1,03,000 तभी 1,03,000 हुआ था। और ये ट्रिप में, ये ट्रिप हम लोग का सस्ते में हो गया, सस्ते में निपटा, इतना भी सस्ते में गया, पैसा अच्छा गया, लेकिन हम लोग ने तीन जगह घूमे। हाँ, उतने टोटल अमाउंट में हम तीन जगह घूमे, और वो भी फिर दिल्ली में भी उतर के 1 घंटे के लिए होटल लिया था मैंने, तो वो होटल का पूरे दिन का पैसा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पर भी जो ट्रैवल पैकेज लिया, मैं अभी तुम लोग को खुल के बताऊँ थोड़ा सा। ये देखो, मैं जो दिल्ली में गया था ना, पहले गया अपना आगरा, आगरा में मैंने होटल लिया, वो भी एक शाम के लिए लिया, शाम में होटल में रुके, सुबह निकल गया अपन चेकआउट करके, सामान लेके निकले थे, और वो होटल भी अच्छा हो जाता था, 2,500 रुपये पड़ लेता अपना होटल। ठीक है, 800 रुपये का खाना था वहाँ पर एक दिन का, मतलब एक रात का खाना 800 रुपये का, तो वहाँ पर अच्छा खासा अपना निकल गया। फिर उसके बाद जो हम लोग ने पूरा दिन का हम लोगों ने टूर रखे थे ना कार के साथ, वो 2,000 रुपये का कुछ था, 1,800 रुपये कुछ समथिंग था, लेकिन बाद में उसने मेरे से ना पार्किंग वार्किंग ये वो करके भी पैसे ले लिया, 2,000 रुपये वहाँ पर मेरा गया, जिसमें मुझे उसने ताजमहल दिखाया, ताजमहल में 500 रुपये टिकट लगी मेरी, कहाँ पर 50-50 रुपये अंदर आने के लिए, बच्चों का फ्री था, फिर ऊपर अंदर जाने के लिए 200-200 रुपये की है ना, तो 500 रुपये टिकट दिखा लिया था ताजमहल। लेकिन हाँ, एक चीज है कि गाइड थे वहाँ पर बताने वाले लोग, तो है ना, वो 500 रुपये वसूल लगा, और गाइड लोगों को अलग से पैसे, हम लोग ने दिए, तुम लोग को देने की जरूरत नहीं है, सारी स्टोरी तो पता है। हाँ, है ना, तो हाँ, गाइड का पैसा बच जा रहा। अब उसके बाद जो लाल किला घूमे हम लोग, वहाँ पर सब जगह वहाँ पर फतेहपुर, हाँ, तो वो कम अमाउंट की टिकट थी, वहाँ पर भी गाइड का पैसा ज्यादा था, आप लोगों का नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग मनाली गए, तो मनाली में मैंने ना 5 दिन होटल स्टे किया था, जिसमें से 3 दिन का मेरा 11,000 का पैकेज था, उसके बाद मेरे 2 दिन एक्स्ट्रा थे, एक दिन जो पहले मैं पहुंचा और कहीं नहीं घूमा, देखे थे ना हम लोग, पहले रेस्ट किए थे खाली, पहले दिन हम लोग खाली मनाली मॉल रोड घूम रहे थे, शॉपिंग वॉपिंग किए, ये सब जैकेट वैकेट दिलाए, सबसे पहले जाके बच्चों की शॉपिंग, तो पहला दिन वो एक्स्ट्रा था, और दूसरा दिन जो एक्टिविटी करने के लिए हम लोग ने रात रुके वहाँ पर, वो रात का पैसा लगता है बस, मतलब पैकेज हम लोग का एक दिन खत्म हो गया। एक्टिविटी में कितना पैसा गया, एक्टिविटी सबसे महंगी पड़ती है बस, फिर वो जो एयर बलून था, एयर बलून कितने की थी अपनी, एयर बलून 1500-1500, 2-3 हजार रुपया प्लस 1,000 रुपया ड्रोन व्यू का, 4,000 रुपये हम लोग का, 4,000 उसमें बच्चों के पैसे अलग से मांग रहा था मैंने, थोड़ी बार्गेनिंग करना पड़ता भाई, सब करने का, तुम लोग भी करते हैं मेरे को मालूम है, वहाँ पर भी करने का होती है बार्गेनिंग, तो एयर बलून में गया ऑलमोस्ट 4,000। उसके बाद हम लोग गए पैराग्लाइडिंग, सबसे पहले वो तो बता, वो जो पर्सनल कार किए थे हम लोग ने, पर्सनल कार भी के थे हम लोग ने, जो एक्टिविटी के लिए, वो बंदा ना अपना, वो बंदा ना जो जिसके पास हम लोग ने अपना बच्चा छोड़े थे ना, तो वो अनजान शायद तुम लोग के लिए था, क्योंकि तुम लोग ने ब्लॉग में हाफ इन्फॉर्मेशन मिलती ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है अपना अपना ओपिनियन बनता है। वो बंदा होटल का था, उसकी गाड़ी के लिए हम लोग जा रहे थे, पता है मैं गली में घुस के बता रहा था, देखो कार यहाँ पार्क है, बस उसके बाजू में उसका घर था, तो वो होटल का ही बंदा था, उसका घर भी बाजू में था, और अपनी मतलब हो गई थी एक हिसाब किताब, उसने मेरे को खुले मुंह से बोला था भाई कि बच्चे मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम एक्टिविटी बिंदास करो, क्योंकि तुम्हारी एक्टिविटी में मुझे कमीशन मिलेगा, और हमारे पास उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी थी। हाँ, तो जब कमीशन मिलेगा उसको, उसने जब ये चीज मतलब क्लियर कर दी कि भाई तुम करो बिंदास एक्टिविटी, क्योंकि तुम करेंगे ना मेरा फायदा है, और मैं संभालता हूँ तुम्हारे बच्चे, तुम टेंशन मत लो, अच्छे से संभालूंगा, तो वो चीज भी एक थी हम लोगों को। तो वो बंदे को मैंने ना 2,000 रुपया दिया था एक दिन का। ठीक है, तो एक्स्ट्रा होटल का तो पैकेज के अलावा मेरा और पैसा गया, फिर खाने पीने के साथ मेरे ना 17-18 हजार रुपए होटल के गए थे। ठीक है, बीवी बच्चों के साथ मस्त एकदम खाना आने के साथ, फिर हम लोगों ने कम से कम 16 कॉफी पिए थे
15 दिन 5 दिन में बिलिंग के टाइम पे बता रहा था। तो 16 कॉफी हम लोग ने, 16 कॉफी एक नहीं, 16 कॉफी डबल आई थी, ऐसी बड़ी मग आती थी जिसमें हम लोग दोनों पीते थे और बसता था, फिर थोड़ी देर के बाद वापस पीते थे। और क्या था फिर, नहीं करेगा तू, जा वापस जा, यहाँ पर मत परेशान कर हम लोग को, आवाज मत कर, मत आना फिर, अल्लाह मेरे बच्चे के साथ जुलम करे तुम लोग, आता है हम लोग को डिस्टर्ब करता है, यहाँ पर आके ये चालू कर दिया, आगे इसकी आवाज पूरी इसमें आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, ऐसा करने का नहीं भाई मेरे बच्चे के साथ। हम लोग बजट बता रहे हो, बता अरे भूल जा रहा ना, फिर ध्यान से फ्लो टूट जा रहा ना, मैं खा था खा नहीं था, बताओ बताओ तुम लोग अपना बताओ, चुप हो जाएगा नहीं मेरा बेटा, हाँ तो जाना तू, अभी तो सलाम करने बोला था तेरे को, तू किया क्या, करता है मेरी बात सुनता है, सुनाओ। अच्छा बाबा तुम लोग ठीक है बाबा, फिर फ्लाइट में नहीं लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, तुम लोग अपना काम करो। फिर हम लोग कहां गए थे, हम लोग पैराग्लाइडिंग किए थे, पैराग्लाइडिंग में पर पर्सन 3,500 रुपया लगा था, 3,500 रुपया पैराग्लाइडिंग का, 500 रुपया उसका एक्स्ट्रा गोप्रो का, अगर गोप्रो नहीं लेंगे ना बहुत बहुत किरकिरी करते, मतलब ऐसा ना कि अपन एंजॉय करना है ना तो मूड खराब हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ उसको, यार मेरे हाथ में ऑलरेडी गोप्रो है तो बोलता नहीं फिर भी ले। अच्छा उन लोग की शूट के लिए, उन लोग की तरफ से लास्ट में बोला भाई बटा यार ला दे तेरा भी गोप्रो, मैं दो दो गोप्रो पकड़ता हूँ। अब चिल्लाता हूँ जोर जोर से। क्या चिल्लाए थे, देखे खुद डर गई थी। देखो बताता हूँ तुम लोगो, एक मेरा खाली 5,000 गया था पैराग्लाइडिंग में, 3,500 का पैराग्लाइडिंग का, 500 रुपया उसने मेरे से एक्स्ट्रा गोप्रो का लिया, 1,000 रुपया मैंने एडवेंचर कर दिया, इसका गया 4,000 रुपया, 3,500 रुपया वो और 500 रुपया गोप्रो का। लेकिन है ना अगर आप पैराग्लाइडिंग कर रहे ना तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एडवेंचर वाला सीन लेने का, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देके, जिसको सफोकेशन नहीं होती है वो ही लेना, नहीं भाई लेना यार, चला बेहोश हो गया पैराग्लाइडिंग, वो परेशान हो गया, कौन बोल रहा लेना, जो आसमानी झूले से डरता है वो करके आया ना भाई, ऐसा करके आया, अरे बचाओ अरे बचाओ उल्टी हो रही है, अरे बाद में तो वो पूरी क्लिप दिखाया नहीं, मैं गिर गया था जमीन पे, मैं जब ये बैठा ना मैं खुद धक से हो गई, अल्लाह आसमानी झूले में मेरे सामने बैठता नहीं, और ये कैसा बैठा है इतना डेरिंग करके, बाद में देखी मैंने इसकी डेरिंग, बहुत जोर जोर की चिल्लाया, ऊपर जाए तक मैं डर रही हूँ हंस रहे, तो इसको डर किस बात का मालूम क्या, मेरे को मालूम है कि वहाँ पर है ना एक पायलट है अपने साथ जो उतारेगा अपने को, इसको लग रहा था इसको रस्सी बांध के छोड़ देगा, पायलट है लेकिन एक दिल का डर रहता ना जो उल्टी के जैसा होता, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके ऐसा लगता था ले जाओ, और आसमानी झूले में कैसा किसी किसी को बहुत मजा आता, लेकिन अगर वो एडवेंचर नहीं करेंगे ना तो मजा नहीं है, नहीं है क्योंकि एकदम आराम से उतर रहे, हाँ तो मतलब उसको कैसा ना मनाली का पूरा मजा लेना था इसके लिए, इस बार है ना इस बार ऐसा कुछ था नहीं हम लोग के दिल में, अरे यार ये छूट जा रहा है, रिवर राफ्टिंग का कैसा सीन है मालूम क्या, अगर आप लोग के पास प्रॉपर ग्रुप है 6 या 8 जन का तो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास ग्रुप नहीं है और तो आप इंडिविजुअल जा रहे हो तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो लोग पैसा पूरा ग्रुप का उठाते अपने से, और फिर वो ग्रुप नहीं बनता ना उनका तो वेटिंग कराते, और उतना वेटिंग का टाइम वेस्ट नहीं करना इतना दूर जाके, तो उधर पे एक बार खर्चा करना है तो कर दो, रिवर राफ्टिंग का भी मजा अच्छा है, ठीक है तो इसमें हम लोग का थोड़ा ज्यादा पैसा गया रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग अगर ग्रुप वाइज देखा जाए ना पर पर्सन 350-400 रुपया पड़ता है, और हम लोग 2 जन का खाली हम लोग ने 3,000 रुपया दिए समझे, तो इसके लिए महंगा पड़ा, बाकी अगर मैं एडवेंचर वाइज देखूं कि 1500 वहां दिया 5000 वहां गए, यहाँ पर हम लोग दोनों के 3000 गए तो वो एवरेज वाइज बराबर था, कोई इतना महंगा नहीं पड़ा, ठीक है तो अगर आप लोगों को एडवेंचर करना है तो एडवेंचर के अच्छे खासे पैसे लगेंगे, जितने आपके ट्रिप के पैसे उतने ही पैसे आपको एडवेंचर में लगेंगे, खाना पीना वहाँ का इतना महंगा नहीं, मेरी नाजों को भी जाने का था मनाली, लेकिन कहना वो डरती है दूर के सफर से, सफर ही तो मेन परेशानी ना, 1.5 दिन ट्रैवल करने का, एक तो उसका बच्चा छोटा, वो बच्चे को लेके ना कितने दिन से प्लानिंग कर रही थी, मैंने मनाली जाऊंगी, लेकिन जैसा सुनी ना इतना घंटा लगता है, इतना घंटा जाना, फिर रुक गए, तो ट्रैवल करना वहाँ पर भारी पड़ता है। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हम लोग इतना मजा आएगा वहाँ पर दो बच्चों के साथ में, लेकिन हम लोग ने जैसे तैसे एंजॉय किए। अभी क्या था मालूम क्या, लोग बोलते कि गर्मी के सीजन में मनाली जाओ, मच्छो एसी में किसी के घुस के बैठ जाओ, घाटकोपर में आर सिटी मॉल के अंदर वो स्नो पार्क है उसमें चले जाओ, लिटरली सच्ची बोल रहा हूँ, ज्यादा बर्फ नहीं मिलती गर्मी में। मैं 1.5 दिन का ट्रैवल करके मनाली पहुंचा, अच्छा खासा पेमेंट करा, खर्चा किया,
उसके बाद मनाली बर्फ वाली जगह पे लेके जाने के लिए मुझे 3 घंटा लगा। उन लोगों को होटल से हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए, वहाँ हम लोग 3 घंटा थे जिसमें से 2 घंटा हम लोग बर्फ में थे। वो 2 घंटे के बर्फ वाला मजा तो मुझे यहाँ पर बाजू में घाट को पर मिला। हाँ, जो तुम लोग बंदर बंदर क्या क्या बन के कपड़े पहन के खड़े थे अंदर, सिंपल उसमें भी कपड़े का पैसा लोग जितना ले रहे ना वहाँ पर उतना इधर पे पूरा बर्फ बर्फ के साथ हो जा रहा है हमारा बर्फ। वहाँ पर कपड़े का पैसा लग दिया ना, यहाँ पर उतने में कपड़ा भी फ्री मिल रहा है। यही जाना अच्छा है। नहीं मैं बता रहा हूँ गर्मी के मौसम के लिए, गर्मी के मौसम में ना तुम लोग ये सोचोगे ना कि मनाली एक अच्छा प्लेस है, सिर्फ ठंडा है, ठंडा है, गर्मी उतनी नहीं है वहाँ पर, ठंडा है ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं, लेकिन वो मजा नहीं है। लेकिन अगर नवंबर दिसंबर दिसंबर और जनवरी के टाइम पे जाएंगे ना तो वो जो न्यूजीलैंड वाला मजा है ना वो मिलता है बोलते वहाँ पर। और वहाँ पर ना बर्फ भी एकदम नजदीक नजदीक मिलती है, हम जब गए दो दो फीट की बर्फ है उधर पर भी वो टाइम पे दिसंबर और जनवरी के टाइम पे। खाना वहाँ का सस्ता है, हम लोग ने देखो 500 रुपए प्लेट में वहाँ पर खाए ना, कौन सा वो बंदी के पर सपन जाके खाना खाए 500 रुपए पर, हम लोग दोनों का पेट फुल हो गया था, खाना भी बच गया था, प्रॉपर घर का खाना। और सही में खाना यम था, घर का खाना यम ही खाना। और वो लोग अपने उनकी हलाल वो लोग का प्रमोशन कैसे करते, कार्ड कौन सा कार्ड बोलते हैं उसको, वो रास्ते पे बांटते ना, वो बांटते कार्ड, लो एक एक पकड़ पकड़ के कार्ड बांटते। खाने के बाद आपकी शॉपिंग की बारी, शॉपिंग में मतलब वहाँ पर ना जो ठंडी के कपड़े है ना वो सस्ते, कपड़े सस्ते ही है एक हिसाब से। अभी जो जो तुम लोग कपड़ा लेकर आया वो कैसा कपड़ा था, यहाँ मिलेगा नहीं जल्दी, बहुत अच्छा 1,500 का कपड़ा था, 3,000 में नहीं। इस बार तो चलो पिछले बार के कंपैरिजन में लोग थोड़ा प्राइस बढ़ा के बोल रहे हैं। पिछली बार जब हम लोग गए थे ना, लेडीज लोग हाथ से स्वेटर फ्रॉक बच्चों को बना रहे हैं, 100 रुपए में दे रहे हैं। कोई भी चीज है ना कम होने की एक्सपेक्टेशन खत्म ही नहीं, बढ़ते ही जा रही है दुनिया में आगे का चीजें। और वहाँ ज्यादातर चीजें हैंडमेड है, ज्यादातर चीजें हैंडमेड। तो बजट तो तुम लोगों को समझ में आ गया, 25,000 से 30,000 रुपया रहेगा ना एक कपल के लिए, इनफ मनाली जाके आ जाएंगे तुम लोग। हाँ, अब उसके ऊपर तुम लोग एक्टिविटी के लिए चाहिए तो एक्स्ट्रा लेके जाओ, एसी में जाने का फ्लाइट में जाने का तो एक्स्ट्रा लेके जाओ, और शॉपिंग बहुत सारी करनी है तो एक्स्ट्रा लेके जाओ। तेरे हाथ के ना, तेरा हाथ बहुत सारा ऐसा ऐसा होता है ना, वो उसको भी ना हाथ करवा दो, कर करके बता रहा। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, अब करना लाइक करो, अंगूठा नहीं हो रहा ना उसका, वीडियो को लाइक करो। अच्छा सब्सक्राइब करो, ऐसा करता वो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ढेर सारे कमेंट करो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। अरे बोल भाई कुछ बोलने वाला गुंगा बैठा ना उधर, मोबाइल मोबाइल लेके बैठ गया वो शांति से। सलाम करो, जा अब्बा नाराज हो गया, अब्बा अकेले घूमने जा रहे हैं। अगर आपको एक्टिविटी करनी है ना वहाँ, तो वहाँ की एक्टिविटीज थोड़ी नहीं नहीं क्या क्या कुछ नहीं, जबान लड़खड़ा रही है मेरी, मेरे दांत का मसला है, भावनाओं को समझो। मुंबई में जो चौपाटी पे ना एयर बलून लगाते हैं, एयर बलून से बंदा ऊपर जाएगा, वहाँ से उसको जम्मरवा देंगे, पैराग्लाइडिंग हो जाएगी समुद्र में, फिर वो बोट से वो उसको बाहर निकालेंगे, रिवर राफ्टिंग हो जाएगी, तीनों एक्टिविटी एक साथ। और वो लैंडिंग में बोट पे नहीं पहुंचे, सीधे पानी में घुस गए तब क्या करेंगे, ऑक्सीजन पिला के डीप वाटर का भी एक्टिविटी करा देंगे। जितनी चीजें थी अपन ने कोशिश की है तुम लोग तक पहुंचाए, उसके अंदर समझ जाओ ना कुछ आगे पीछे हो गया तो हो गया, बोले जाओ करो, नहीं कर रहे हो लकड़ी पकड़ के ऐसा था, वो नहीं था, हमने उतना बर्फ ही नहीं था कि स्केटिंग करे, इतनी से इतनी जगह पे स्केटिंग करा रहे, पैसा दे रहे नहीं करने का। चलो गाइस फिर ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मेरे को मनाली जाने का कि नहीं, इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे तो देखेंगे, पूरी जवानी चली गई, अब बच्चों के तय में, अब मैं क्या करूँगी जाके उधर। अपन जनवरी में जाएंगे, मैं जनवरी में ज्यादा घूमेंगे नहीं, एक्टिविटी नहीं करेंगे, प्रॉपर बर्फ में उतरेंगे। टाटा, अभी हम लोग को फ्लाइट में लेकर जाना।